हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वेबिनार सीरीज फ्रॉम विद्या मंदिर क्लासेस मैं सौरभ कुमार विद्या मंदिर क्लासेस से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बहुत, बहुत बहुत वेलकम करता हूँ जो आप सब लोग इस वेबिनार सेशन में आए आज का टॉपिक वेबिनार का जो है पार्टिकल डायनामिक्स है जिसको हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के नाम से भी जानते हैं ठीक है इससे पहले कि हम इस टॉपिक पे आगे बढ़े हम एक मिनट कुछ नॉर्मल बातचीत कर लेते हैं और लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं कंटिन्यूसली पहली बात यह है कि जैसा आप सभी जानते हैं कि हम ये वेबिनार कर रहे हैं ये वेबिनार सीरीज सारे स्टूडेंट्स के लिए हैं जो 2020 में जेई के लिए अपीयर हो रहे हैं राइट हमने आ, ये सीरीज इसलिए रखी है क्योंकि इस पैंडमिक में बच्चे जो हैं अपने अपने कोचिंग्स नहीं जा पा रहे हैं और कोई भी रिविजन का मेथड उनके पास स्ट्रक्चर्ड नहीं है हमारे जितने भी सोर्सेज हैं उनके उनकी अगर हम मानते हैं तो कोई भी इंस्टीट्यूट अभी 2020 के बच्चों के लिए कुछ खास नहीं कर रहा है क्योंकि बात बिल्कुल जाहिर सी है कि 2020 के बच्चों से किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास कोई फीस नहीं आ रही है बट विद्या मंदिर क्लासेस ने अपने स्टूडेंट्स के लिए 30 प्रैक्टिस टेस्ट जेई के करा चुके हैं हम अभी तक उसके अलावा हम पिछले डेढ़ महीने से सुबह और शाम दोनों टाइम जो है अपने 2020 के बच्चों के लिए क्लासेस भी लगा रहे हैं ठीक है तो समय की बहुत ज्यादा अब आगे बात ना करते हुए मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ थोड़ा सा और फिर हम डायनामिक्स को स्टार्ट करते हैं मेरा नाम सौरभ कुमार है मैं विद्या मंदिर क्लासेज में अकेडमिक डायरेक्टर हूँ और बीस साल से ज्यादा से बच्चों को फिजिक्स के लिए पढ़ा रहा हूँ आज का टॉपिक हमारा जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है जैसे हमने अभी वेबिनार किए हैं दो फिजिक्स के वेबिनार हो गए हैं का का और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो आप सभी के हमने हम सारे बच्चों के कमेंट्स को पॉजिटिव लेते हैं तो आप लोगों ने जो हमें कमेंट्स दिए थे उसमें कुछ बच्चों ने लिखा था कि थोड़े प्रॉब्लम सॉल्विंग ज्यादा होने चाहिए तो आज के मैंने इस सेशन में प्रॉब्लम ज्यादा ली है कुछ बच्चों का था कि क्या कहते हैं थ्योरी को बहुत ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है ठीक है तो ऑटोमेटिकली वो दोनों एक ही बात हो गई कि थ्योरी को हमने थोड़ा सा कंडेंस कर दिया है और न्यूटन लॉज में कोई बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं होती है ठीक है तो जैसे और कुछ बच्चों ने कहा था कि बेसिकली इसका टाइम बढ़ाया जाए तो आज के वेबिनार का हम थोड़ा सा टाइम भी इंक्रीज कर रहे हैं कि हम जिसमें क्योंकि थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन हमने आज के लिए पिकअप किए हैं और इस वेबिनार में मैं सारे क्रिटिकल टॉपिक्स टच करूंगा खास तौर से जैसे काफी सारे बच्चों को कंस्टेंट मोशन में प्रॉब्लम होती है तो कंस्टेंट के हम सारे मेथड्स हम इंपॉर्टेंट आपको बताएंगे फ्रिक्शन के सारी चीजें बताएंगे और नॉर्मल जो हमारे डायनामिक्स में क्वेश्चंस हैं वो करेंगे कुछ बच्चों का सजेशन था पिछले वेबिनार में कि 2019 के क्वेश्चन भी आप लोग इंक्लूड करिए तो आज मैंने 2019 के भी डायनामिक्स के क्वेश्चंस जो हैं इंक्लूड किए हैं तो बेसिकली बात यह है कि मतलब जो शॉर्ट में मैं कहना चाहता हूं कि वी जो होता है वो बच्चों की हर बात हर पॉजिटिव बात को आ, जो है आ, लेता है और उसके ऊपर बहुत ही शिद्दत से काम करता है ठीक है चलिए तो अभी हम सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं तो ऐसा सच अगर हम देखें तो भाई डायनामिक्स बहुत बड़ा टॉपिक तो नहीं बनता है जेई मेंस के लिए क्योंकि अगर आप देखेंगे 2019 जनवरी में तो दो क्वेश्चन आए फिर अप्रैल में चार आए 2020 जनवरी में भी चार क्वेश्चन आए ठीक है बट मैं एज ए फिजिक्स टीचर इस बात में 200 परसेंट विश्वास रखता हूं कि डायनामिक्स जो है वो का बिल्डिंग ब्लॉक होती है ठीक है तो अगर आपको डायनामिक्स नहीं समझ में आती है तो जाहिर सी बात है कि आप फिर वर्क एनर्जी या रोटेशन या फॉर दैट मैटर ग्रेविटेशन के भी बड़े क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे अगर आप फोर्स वगैरह को सही से नहीं लगा पा रहे हैं राइट तो अब हम लोग जो है मूव करते हैं फटाफट डायनामिक्स uh, की तरफ और बात करना शुरू करते हैं अपने टॉपिक की तो सबसे पहली बात न्यूटन लॉज न्यूटन लॉज में कुछ खास बताने को नहीं है नाइन्थ क्लास से आप लोग पढ़ते हुए आते हो लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसकी हम बात करेंगे कुछ अभी हम uh, इस सेशन में करेंगे हो सकता है कि कुछ आने वाले सेशनों के लिए भी यहाँ पर जो है वो आउटलाइन uh, बन जाए फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं ठीक है एवरीबडी नोस की फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया लॉ ऑफ एनर्शिया क्या कहती है कि भाई अनलेस एंड अंटेल ए नेट एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड द नेचुरल स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज नॉट डिस्टर्ब ठीक है तो जो नेचुरल स्टेट है वो डिस्टर्ब नहीं होती है जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए सबको पता है नाइन्थ क्लास में ठीक है इसी पर आप कह सकते हो कि ऑफ भी बेस्ड होगा सेकेंड लॉ की बात जरासी करनी है क्योंकि कुछ बात हम आज करेंगे और कुछ बात हम आने वाले चैप्टर्स में भी करेंगे ठीक है हम सब जानते हैं कि जो सेकंड लॉ है एफ इज इक्वल टू एम ए जिसको हम लिखते हैं वो बेसिकली जो बेसिक डेफिनेशन है वो तो क्या है एफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लेनियर मोमेंटम यानी एफ इज इक्वल टू डी पी बाई

वहां पे हम नहीं लिख सकते हैं वहां पे हमें न्यूटन के सेकंड लॉ को ऐसे लिखना पड़ेगा ठीक है तो अब जो प्रॉब्लम्स आप लोगों ने पढ़े होंगे जैसे कुछ कुछ बच्चों ने किए होंगे या अभी सीरीज में अगर हम नहीं भी कर पा रहे तो एडवांस में देखेंगे फॉर मास एफ इज इज इक्वल इक्वल टू टू एम एम ए राइट बट फॉर वेरिएबल मास फॉर वेरिएबल मास अब आप सोच रहे होंगे कि ये वेरिएबल मास जैसे पढ़ा तो हुआ होगा ये थोड़ा बहुत है ना बट हम लोग कुछ आगे आने वाले चैप्टर्स में इसको कवर भी करेंगे डीएम बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ठीक है तो ये कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है जिसमें ये काम आता है जैसे रॉकेट रॉकेट सब लोगों ने पढ़ा होगा शायद है ना या नहीं पढ़ा होगा तो चलिए हम लोग वर्क एनर्जी मोमेंटम में से कवर करेंगे ठीक है रॉकेट है या हॉट एयर लीकिंग बलून है ठीक है या लीकिंग सेंड कार्ट है इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं ये सब किससे सॉल्व हो जाती हैं ये सब जो है वेरिएबल मास से सॉल्व होती हैं जो डीएम बाई डी से लगा के आते हैं ठीक है तो चलिए इस पे तो आगे चल के बात करेंगे आज तो हम एफिजिकल टू एम ए यूज करेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ को मैंने थोड़ा लिख दिया है Uh, क्योंकि इसमें कुछ मैंने देखा कि हमेशा स्टूडेंट्स uh, को बेसिक है, है न्यूटन an ने तो बेसिकली थोड़े से मतलब इसको रियल uh, टर्म्स में ले जाते हैं तो एक्शन और रिएक्शन का मतलब बेसिकली क्या है कि एक्शन और रिएक्शन दोनों टर्म्स जो है वो किसको रेफर कर रहे हैं फोर्स को रेफर कर रहे हैं नंबर वन नंबर टू जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक्शन और रिएक्शन दोनों लगते हैं। बहुत सारे हम ऐसा, सोचते हैं कि पहले होगा, फिर होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि दिमाग नहीं होता है कि वो ये सोचें कि पहले तुमने फोर्स लगाया फिर मैं फोर्स लगाऊंगा राइट तीसरी बात जो है जो इसका जो इसकी कोरोलरी है वो ये है कि इस यूनिवर्स में फोर्सेस जो हैं वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एक्शन और रिएक्शन जो है वो डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करता है मैं जैसे कॉमन क्वेश्चन बहुत बार बच्चों से भी पूछता हूं कुछ टीचर्स से भी पूछते हैं कि बताओ भैया कि वेट का रिएक्शन कहाँ है तो सब लोग कह देते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो वेट का रिएक्शन है जबकि ये गलत आंसर है क्यों क्योंकि एक्शन क्या है एक्शन है कि अर्थ ने किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ पुल किया राइट तो ज, तो रिएक्शन इसका क्या होगा कि बॉडी अर्थ को अपनी तरफ पुल करेगी तो जो वेट का रिएक्शन है वो अर्थ के सेंटर पे मिलता है ना कि नॉर्मल रिएक्शन वेट का रिएक्शन होता है तो एक्शन रिएक्शन पेयर क्या हो गए जो वेट है वो बॉडी पे लगा और जो उसका रिएक्शन है वो अर्थ के सेंटर पे लगा तो ये ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो बहुत सारे लोग अपने साथ कैरी करके रखते हैं ठीक है इक्विलिब्रियम पे पहले बात करते हैं क्वेश्चंस भी हमने इसी हिसाब से सॉर्ट किए हुए हैं कि पहले इक्विलिब्रियम करेंगे और फिर Uh, उसके क्वेश्चंस करेंगे तो आज इस तरीके से वेबिनार चलाएंगे ठीक है आप लोगों का फीडबैक फिर देखेंगे कैसा आता है कुछ और चेंज करना होगा और भी चेंज करेंगे ठीक है तो पहले इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो हम सभी जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कब होता है इक्विलिब्रियम होता है जब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी सिस्टम इज इक्वल टू जीरो ठीक है और इसको हम अप्लाई करते थे कैसे कि सिग्मा एफ एक्स भी जीरो होना चाहिए मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स भी जीरो होना चाहिए और सिग्मा ऑफ

प्लस एफ थ्री इज इक्वल टू जीरो है कहीं पर मतलब तीनों फोर्सेस का सम जो है वो जीरो है तो एक थ्योरम होती है जिसको हम कहते हैं कि लामी थ्योरम उस थ्योरम को हम यूज कर सकते हैं ठीक है तो लामी थ्योरम किस तरीके से काम करती है लामी थ्योरम इस तरीके से काम करती है ये तीन फोर्सेस हैं इसको आप रीअरेंज भी कर सकते हैं ट्राइंगल के फॉर्म में ठीक है वो मैं अभी नहीं कर रहा हूं क्योंकि अब अभी सब आप सब लोग पढ़े लिखे बच्चे हो है ना F1, F2, F3 तीन फोर्सेस हो गए ये ये वाला एंगल हमने ले लिया एल्फा ये वाला एंगल हो गया ले लिया हमने बीटा और ये वाला एंगल हमने ले लिया गामा तो लामी की थ्योरम क्या कहती है लामी की थ्योरम कहती है कि एफ वन अपॉन साइन अल्फा यानी फोर्स के सामने वाला एंगल ठीक है एफ वन के सामने कौन सा एंगल है अल्फा एफ वन अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू एफ टू अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू थ्री अपॉन साइन गामा राइट तो ये जो है इस थ्योरम को हम लोग किस नाम से जानते हैं इस थ्योरम को हम लोग लामी थ्योरम के नाम से जानते हैं और ये थ्योरम क्या करती है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत फास्ट करती है क्योंकि कंपोनेंट वगैरह करने में फिर इक्वेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है ठीक है तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं कंपोनेंट मेथड को भी यूज कर सकते हैं आपकी इच्छा है कि आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हैं हमारी तरफ से ऐसा एस ऐस सच कोई वो नहीं है ठीक है ये जनरल क्वेश्चन मैंने एक लिया है इसके बाद मैं लूंगा। 10 बॉल इस बॉल इस इस शोन इन, दे फिगर। दे टेंशन इन टू स्ट्रिंग्स आर दो स्ट्रिंगों में टेंशन आपको बतानी है ठीक है तो देखिए सबसे पहला काम क्या सबसे पहला काम के क्वेश्चन में फ्री बॉडी डायग्राम ठीक है तो फ्री बॉडी डायग्राम इज इज सोल इज हार्ट

तो अगर मैं इसी को लामी थ्योरम के हिसाब से डायग्राम बना दूं क्योंकि अभी हमने जैसे लामी थ्योरम की बात मैंने आपसे की तो आई वॉन्ट टू मेक डायग्राम डायर राइट अवे एंड ट्राई टू इलेट यू विद प्रॉब्लम एज वेल कि ये बेटा m जो है 10 kg है तो मैं सीधा 10g लिख दे रहा हूं यहाँ पे ठीक है m जो है 10 kg है तो मैं सीधा यहाँ पे 10g लिख दे रहा हूं 10g ठीक है ये t2 हो गया ये T1 हो गया ठीक है ये एंगल 45 है तो ये पूरा हो गया बेटा 135, और ये 60 है तो ये हो गया हमारा 150, ठीक है तो अब हमारा ये वाला एंगल कितना बचा? ये वाला देखिए 1 वा, वन, वन और 135 हमारा हो गया 285 और 285, यानी 360 में से अगर हम 285 माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा 75 फाइव बचेगा राइट राइट। right? सो so, अब हम जो है इस पे लामी थ्योरम को लगा देते हैं यहां जिनका मन हो वो कंपोनेंट भी लगा सकते हैं क्योंकि यहां पे कंपोनेंट जो है वो बहुत बड़ी चीज नहीं है ठीक है कंपोनेंट जो है यहाँ पे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है राइट तो अगर आप देखें तो अब इस पे लामी थ्योरम अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे क्या हम लिखेंगे टी वन अपॉन साइन वन फिफ्टी टी वन अपॉन sine 150 is equal to t2 upon sine 135 is equal to mg upon sine 75. तो अब आप यहां से इक्वेट करके सब लोग जानते हैं कि 150 की वैल्यू लिखी जा सकती है 90 प्लस कैलकुलेट करने का ठीक है अच्छा तो दूसरा तो तरीका क्या हो, हो सकता है इसको कैलकुलेट करने का इसके हम कंपोनेंट लेने ले ठीक है।, है तो जिस मैथड से आपको अच्छा लगे आप उस मैथड से करेंगे sin 45 हो गया तो so, t1 cos 45 या sin 45 कोई भी लिख लीजिए बराबर पड़ता है uh, cos 45 हो गया ये t1 sin 45 हो गया t1 sin 45 हो गया और इधर से अगर ले ले, तो t2 sin 60 हो गया ठीक है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम देखना है तो हम कह सकते हैं कि t1 cos 45 t2 cos 60 ठीक है और वर्टिकल डायरेक्शन का देखना है तो हम कह सकते हैं टी वन साइन फोर्टी फाइव प्लस टी टू कॉस टी टू साइन सिक्स इज इक्वल टू टेन जी और इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लें, तो हमको T1 और T2 की वैल्यूज मिल जाती है राइट right? तो एनी मेथड विच यू लाइक यू कैन गो विद पर्टिकुलर मेथड राइट चलिए ये क्वेश्चन 2019 का है दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 2019 जे 2019 राइट आई एम रीडिंग द क्वेश्चन एंड देन आई विल सॉल्व इट ए मास ऑफ 10 केजी इज सस्पेंडेड वर्टिकली बाय ए रोप फ्रॉम द रूफ व्हेन ए हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द रोप एट सम पॉइंट द रोप इज डेविएटेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द रूफ पॉइंट राइट इफ द सस्पेंडेड मास इज एट इक्विलिब्रियम

ये इस रोप के अंदर अगर हम एव डी ड्रॉ करें तो टेंशन टी आ जाएगी राइट अच्छा अब जो है अब आप देखें, अगर इसके कंपोनेंट की बात कर ले तो इधर आ गया मेरा ये देखिए ये एंगल 45 है तो ये भी 45 होगा राइट तो ये हो गया मेरा टी साइन 45 और ये हो गया टी कॉस ठीक है तो हम लिख सकते हैं पे क्या लिख सकते हैं कि कि t हम लिख सकते हैं ठीक है हमें f निकालना है तो दोनों को हम कर लेते हैं तो हमारे पास बचा एफ अपॉन टेन जी इज इक्वल टू टेन फोर्टी फाइव

राइट एंड दिस अगेन विल आल्सो भी 135 ठीक है तो अगर हम लामी से एक परसेंट अगर हम लोग जो लोग लिखना चाह रहे हो तो वो लिख सकते हैं कि T अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू F अपॉन साइन 135 इज इक्वल टू एम जी अपॉन साइन 135 अब आप देखिए आप इन दोनों को एक वेट कर दीजिए लास्ट वाले दोनों टर्म्स को तो हट गया सीधे सीधे वैल्यू आपकी आ रही है F mg, यानी न्यूटन तो मैंने कहा था कि आप अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है बहुत बार ये कैलकुलशन को क्या करेगा आपकी फास्ट कर देगा तो जो है कैलकुलेशन को आपकी फास्ट करेगा ठीक है अब बड़ी मजेदार चीज ये देखिए कि जो क्वेश्चन टू थाउजेंड नाइनटीन में आया बिल्कुल उसके आसपास का क्वेश्चन टू थाउजेंड ट्वेंटी में भी आ गया ये है सेवेंथ जनवरी इवनिंग का पेपर है ठीक है और देखो कि क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम लाइंस पर बना हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है टॉप हाफ ऑफ द रोप मेक्स एन एंगल ऑफ फोर्टी फाइव डिग्री विदर्टिकल देन एफ इक्वल्स टू ठीक है तो एक कोई जो भी रोप थी वो होगी ठीक है हमारे लिए हमें डायग्राम बना रहे हैं। ये भी 45 डिग्री का एंगल बना रहा है और मजेदार बात देखो ये भी यहाँ पर भी मास जो दे रखा है वो भी 10 के का ही दे रखा है और आप देखो कि फोर्स भी फोर्स पूछ लिया है वही चीज पूछ ली है, है ना तो कुछ नया नहीं करना है हमें यहाँ पर आप देखो कि सब कुछ वही है ठीक है एवरी इज दैट ओनली दे है लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन तो जो भी बच्चे इस वेबिनार को देख रहे हैं मैं उनको समझाना बताना चाहता हूं कि जेई मेन की तैयारी के लिए या बिटसेट के लिए या वीआईटी के लिए या आईपी के लिए जो भी आप लोग इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जय एडवांस की बात नहीं कर रहा हूं मैं बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूं जय एडवांस की बात नहीं कर रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं जेई के जेई में रिपीट हो जाएंगे जेई एडवांस के बाकी सारे एग्जाम्स में रिपीट हो जाएंगे जेई मेन के बाकी एग्जाम्स में रिपीट हो जाएंगे तो आप लोग एक बार अभी काफी समय है सबके पास एक महीने से ज्यादा का समय है आप लोग जो है सारे पुराने एटलीस्ट तीन चार पांच साल के जेई के मेन के और एडवांस में एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सारे कर डालिए जिससे कि आपका स्कोरिंग जो है वो हाई हो सके राइट अब हम यहाँ पे इस बार लमी यूज कर लेते हैं ये डिग्री है ये वन है ये 135 है तो अभी हम कर चुके हैं तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है हमें सबको पता है कि एफ की वैल्यू जो है एम होगी यानी हंड्रेड न्यूटन राइट सो दिस इज द आंसर ओवर तो मैंने आपको देखा कितना क्लोजली दोनों क्वेश्चन ईयर ईयर ऑन रिपीट कर दिए राइट right? तो ये की यही मेन कर सकता है ये काम ये एडवांस कभी नहीं करेगा एडवांस में तो आज तक कोई पैतालीस साल में क्वेश्चन सॉरी सत्तर uh, साल में क्वेश्चन रिपीट ही नहीं हुआ ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं ये 2019 का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 2019 का है तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विद मोमेंटम पी स्टार्ट एट टी इज इक्वल टू जीरो ए फोर्स एफ इज इक्वल टू के टी के टी एक्ट्स इन द सेम डायरेक्शन इन द मूविंग पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम पीरियड कैपिटल टी सो दैट द मोमेंटम चेंजेस फ्रॉम पी टू 3 पी हियर के इज ए कांस्टेंट द वैल्यू ऑफ टी इज ठीक है तो देखिए हम सब जानते हैं कि मोमेंटम जो फोर्स है उसको हम डी पी बाई डी या डेल्टा पी बाई डेल्टा टी कुछ भी लिख सकते हैं राइट right? अच्छा अब हम लगा लिख दें कि डी पी इज इक्वल टू एफ डी ठीक है यानी डी पी इज इक्वल टू के टी और मोमेंटम जो है कहां से कहां तक चेंज हो गया बेटा मोमेंटम चेंज हो गया पी से थ्री पी तक और इसमें टाइम का खर्चा कितना हो गया जीरो से कैपिटल टी ठीक है तो थ्री पी माइनस पी ये तो टू ये पी तो आ गया तो बेसिकली ये हो गया फोर पी बाई के इज इक्वल टू टी स्क्वायर और टी इज इक्वल टू टू अंडर रूट पी बाई के तो ये हमारा क्या हो गया

क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टिकल मूव सच पोजिशन वैक्टर आर वैक्टर की जो वैल्यू दी हुई है हमें वो दी हुई है ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन सॉरी दिया हुआ नहीं है ए नहीं है तो ए हटा देते हैं यहां से हम ए नहीं है तो ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा

स्क्र साइन ओमेगा टी जे कैप राइट अब इनको इक्वेजन को अगर आप देखो तो पहली बात तो यह है कि आर डॉट वी जीरो आ जाएगा दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए यानी आर और वी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए अच्छा ए वेक्टर और आर वेक्टर को देखेंगे तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं इसका पोजीशन वेक्टर जो है ओमेगा 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 कैप कैप है और एक्सेलरेशन का पोजीशन वेक्टर अगर आप देखेंगे ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या है माइनस कॉसोमेगाटी आई कैप माइनस कॉसोमेगाटी जे कैप है इसलिए क्लियर है कि आर वैक्टर इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ ए वैक्टर मल्टीप्लाइड ओमेगा स्क्वायर तो दोनों अपोजिट हो गए तो ये कब होता है ये सर्कुलर मोशन में होता है इसके अलावा भी एक और तरीका है इसको देखने का कि अगर हम कोऑर्डिनेट uh, वाइज देखें तो आर जो हो गया कॉस ओमेगा टी हो गया और वाई जो हो गया वो साइन ओमेगा टी हो गया प्रोजेक्ट्री इक्वेशन पिछले वाले वेबिनार में मैंने आपको बताई है कि प्रोजेक्ट्री की इक्वेशन कैसे निकालते हैं तो इक्वेशन निकालने का तरीका यह है कि एक्स और वाई को टाइम के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दें और टाइम को एलिमिनेट कर दें तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस

Uh, विद्या मंदिर के मॉड्यूल से क्वेश्चन लिए हैं कि जो बेसिकली हमें छोटा सा न्यूटन की सेकंड लॉ के एप्लीकेशन के लिए और हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं फ्रिक्शन की ओर और, और फिर हम कंस्टेंट मोशन ऑन ऑन सो सो फोर्थ राइट तो कह रहे हैं स्पीड इज फ्लोइंग विद ए स्पीड वी थ्रू ए पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए द पाइप इज बेंड इन द शेप ऑफ राइट एंगल एज शोन इन द फिगर वॉट फोर्स शुड बी एक्सर्टेड टू द पाइप At the corner to keep it fixed. हम लोगों ने बहुत बार ये सब लोग जानते होंगे कि जो होती हैं बेंड पे फटती हैं क्योंकि कई बार क्या होता है कि बेंड की स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती है कि उस फोर्स को वो वो जो है बैलेंस कर पाए उसको उसकी स्ट्रेंथ जो होती है उससे कम होती है और फोर्स जो जब बेंड पे लगता है तो उसको तोड़ देता है ठीक है तो अब हमें देखना यह है कि भाई जो हमारा लिक्विड फ्लो कर रहा था वो ये था हमारा पहले मोमेंटम राइट दिस वॉज द इनिशियल मोमेंटम पी वन एंड इज दोमेंटमल डायरेक्शन अब मोमेंटम क्या है मोमेंटमसिटी ठीक है मास हम सभी जानते हैं कि मोमेंटम है मास इंटू वेलोसिटी ठीक है अब मास क्या है मास है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी राइट तो मास है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं वॉल्यूम को लिख सकते हैं हम एरिया इंटू डेंसिटी बट दिस इज वॉल्यूम पर सेकेंड राइट सो मोमेंटम जो है मास इनटू वॉल्यूम हो गया तो हम अब इसको क्या बेसिकली लिख रहे हैं हम मोमेंटम पर सेकेंड लिख रहे हैं ठीक है थीके? तो अब मैं लिख रहा हूं मोमेंटम पर सेकेंड मोमेंटम पर सेकेंड विल बी ए इंटू वी दिस इज What volume into density into velocity? So a into volume a into speed is volume per second multiplied by density is mass per second multiplied by speed again is momentum per second, right? Which is which is a rho v square, right? Now we know that ki force is equal to delta p by delta.

रिवर्स कर दिया वन के डायरेक्शन को क्या कर दिया रिवर्स कर दिया तो वन हमारा ये हो गया राइट right? अब इसका रिजल्टेंट अगर हम देखें अब देखिए यहां पे आप आपको बड़ा मजेदार चीज समझ में आने वाली है रिजल्टेंट अगर हम देखें तो ये आ रहा है यानी लिक्विड जो पाइप पे फोर्स लगा रहा है वो अंदर की तरफ लगा रहा है रिएक्शन पेयर uh, हो गए तो यहाँ पे ठीक है तो ये हमारा डेल्टा पी का डायरेक्शन हो गया यही हमारा फोर्स का डायरेक्शन होगा ठीक है सो एफ विल बीवल टू वर्ड दोनों देखिए परपेंडिकुलर है तो अंडर रूट पी वन स्क्वायर प्लस पी टू स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री राइट right? और ये पी हमारा ये पर सेकंड वाला हो गया यानी जो हमारा ये आ गया ये हमारा आ जाएगा एफ का मॉड विल बी रूट टू दिस इज द फोर्स विच विल बी एक्टिंग ऑन द ठीक है तो ये जो फोर्स होगा ये कहां पर एक्ट कर रहा होगा बेंड पे एक्ट कर रहा होगा राइट right? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है Uh, जो है uh, ये क्वेश्चन कहता है कि ए चेन हैंग्स ऑन ए थ्रेड एंड टचेज द सर्फेस ऑफ ए टेबल बाय इट्स लोअर एंड शो द थ्रेड हैज बीन बर्न डू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द टेबल बाय द फॉलिंग पार्ट ऑफ द चेन एट एनी मोमेंट इज ट्वाइस द वेट ऑफ द पार्ट ऑलरेडी रेस्टिंग ऑन द टेबल तो आप इसको ऐसे समझिए कि एक चेन है ये एक चेन है राइट और ये एक टेबल है कुछ समय के बाद क्या हुआ कि इस चेन की कुछ लेंथ जो है टेबल पर आ गई और बची हुई लेंथ जो है अब गिर रही है राइट लेट अस से दिस इज पी और जो लेंथ चेन की टेबल पे आ चुकी वो वाई है ठीक है यानी जो पी पॉइंट है वो कितनी हाइट गिरा है वाई हाइट नीचे गिरा है ठीक है यानी ये पी पॉइंट जो होगा वो कहीं मैं से दिखा दे रहा हूं यहां पर होगा और ये जो लेंथ है ये वाई ऐसे समझ लीजिए ठीक है तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी बिफोर हिटिंग द टेबल बिफोर हिटिंग द टेबल विल बी इक्वल टू अंडर रूट टू जी वाई ठीक है तो v जो हो गई वो कितनी हो गई बेटे अंडर रूट टू जी वाई हो गई ठीक है अब गिरने के बाद मोमेंटम कितना हो गया गिरने के बाद मोमेंटम जीरो हो गया है ना यानी वेलोसिटी गिरने के बाद जीरो हो गई सो वेलोसिटी ऑफ द चेन सो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी कह देते हैं या चेन कह देते हैं कुछ भी कह दो आफ्टर हिटिंग इज जीरो ठीक है। अब हमें क्या निकालना है चेंज इन मोमेंटम निकालना है ठीक है तो अब ये जो velocity जो गिर रही है नीचे की तरफ है तो मोमेंटम की डायरेक्शन में नीचे की तरफ हो गई ठीक है माइनस ऑफ माइनस एम वी तो विच इज इक्वल टू एम वी ठीक है अब फोर्स कितना है फोर्स विल बी इक्वल टू एम uh, मतलब एम वी अपॉन द टाइम टेकन ठीक है द टाइम टेकन राइट अच्छा अब मास कैसे लिखेंगे तो अगर हम इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मान लें और इसकी डेंसिटी रो मान लें और इसकी स्पीड तो वी है ही तो जो मास फ्लोइंग पर सेकेंड इनटू वेलोसिटी हो गई वो कितना हो गई वो हो गई ए रो वी स्क्वायर इतनी हो गई ठीक है अभी अभी ऐसे थोड़ी देर पहले भी किया है वी स्क्वायर की वैल्यू डाल दें रो ये वैल्यू आ गई ठीक है अच्छा अगर अब हम इसको देखें टू अलग कर देट ऑफ द चेन विच इज लाइंग ऑन द टेबल और जो फोर्स लग रहा है वो उसका डबल लग रहा है यही हमें प्रूव करना था यही हमें प्रूव करना था कहता था एट एनी इंस्टेंट प्रूफ दैट की द फोर्स एक्सर्टेड इज डबल वेट ऑफ द चेन लाइंग ऑन द टेबल ठीक है तो मास ऑफ चेन मास करेंगे तो ए वाई रो जी हो जाएगा ठीक है तो हैंड राउट इट इज एजी प्रॉब्लम टू डू नाउ ये फिर से 2020 की ही प्रॉब्लम है

practice practice and practice that is the only thing which can help you to clear je right a particle of mass m is fixed at one end of a light spring having force constant k and unstretched length l the other end is fixed the system is given an angular speed of omega around the fixed end of the spring which that it rotates in a circle in a gravity free space then the stretch in the spring is so what it is trying to say is कि भैया ये एक एंड है यहां से एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कुछ एल थी और इस पर एक ब्लॉक लगा हुआ है, एक पार्टिकल लगा हुआ है जिसका मास जो है वो एम है ठीक है और ये इस एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रहा है विद एन वेलोसिटी ओमेगा ठीक है तो हम सभी जानते हैं कि नेट फोर्स द सेंटर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स ठीक है तो इसको इसके ऊपर क्या फोर्स लग रहा होगा भैया ये घूमेगा तो इसके इस तो तो वही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा तो के एक्स इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर अब रेडियस कितना हो गया इसका इसकी नेचुरल लेंथ एल थी और इसमें एक्सटेंशन एक्स हो गया तो टोटल कितना दूर हो गया एल प्लस

एक्स इन टू के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर तो ये ऑप्शन नंबर वन बन जा रहा है राइट तो ये हमारा क्या बन गया आंसर बन गया ठीक है तो सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल और कब आया था एट जनवरी इवनिंग को आया था चार मार्क्स आपको फ्री के मिल रहे हैं सिर्फ एक एक इक्वेशन लिख के कि नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स ठीक है अब देखो फिर से कि नाइन्थ की इवनिंग में मतलब एक दिन बाद फिर से क्या क्वेश्चन पूछा गया आप खुद ही पढ़ सकते हैं आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है क्वेश्चन पेपर्स तो सारे पब्लिक डोमेन में हैं ही ऐसा तो है नहीं कि मैं क्वेश्चन अपने आप बना के दे रहा हूं आपको स्प्रिंग मास सिस्टम ऑफ मास एम स्प्रिंग कांस्टेंट के एंड नेचुरल लेंथ एल रेस्ट इन इक्विलिब्रियम ऑन ए हॉरिजॉन्टल डिस्क द फ्री एंड ऑफ द डिस्क इज फिक्स्ड टू द सेंटर ऑफ द डिस्क इफ द डिस्क टुगेदर विद द स्प्रिंग मास सिस्टम रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ठीक है द रिलेटिव चेंज इन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज गिवन बाय द बेस्ट ऑप्शन ठीक है तो फिर से प्रॉब्लम्स की शक्ल सूरत सब वही है ठीक है ये डिस्क का सेंटर हो गया ये एक्सेस हो गई ये स्प्रिंग हो गई ठीक है और ये पार्टिकल हो गया मास एम का ये ओमेगा हो गई और इसकी डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक हो गई वो एल प्लस एक्स हो गई और इसके ऊपर लगने वाला फोर्स इधर के एक्स हो गया यहाँ पे एक चीज दी हुई है हमें इसका यूज है बस सिर्फ इस क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है के इज वेरी लार्ज देन एम ओमेगा स्कौर्ण. ठीक है तो अभी अभी हमने लिखा है ना कि x हम इसी 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 को यूज कर लेते हैं बेटा क्या पूछा है देखो रिलेटिव चेंज पूछा है बस यही चीज ध्यान रहने की है यहां पे क्या पूछा है रिलेटिव चेंज पूछा है यानी x अपॉन एल एक्स इज द चेंज एंड एल इज ओरिजिनल तो आर आज रिलेटिव चेंज एक्स अपॉन एल इज इक्वल टू एम स्क्वायर से बड़ा है इसलिए एम ओमेगा स्क्वायर को यहां निगलेक्ट कर सकते हैं इसलिए हम इसे लिख सकते हैं कि एम ओमेगा स्क्वायर बाई के सो द रिलेटिव चेंज इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर बाई के जो ऑप्शन नंबर वन बन गया

और एक है डायनामिक रोलिंग फ्रिक्शन की बात रोटेशन में करेंगे आज नहीं करेंगे ठीक है एक है स्टैटिक और एक है काइनेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन जब तक होता है जब तक ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट ऑब्जेक्ट जब तक रेस्ट पर होता है और काइनेटिक फ्रिक्शन जब होता है जब ऑब्जेक्ट जो होता है वो मोशन में होता है राइट right? सभी लोग हम लोग जानते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स इज अ फोर्स व्हिच अपोसेस द मोशन और द

अच्छा अब देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होता है कि अगर आपका अप्लाइड फोर्स इज लेस देन एफएस मैक्स मतलब मैक्सिमम काइनेटिक फ्रिक्शन ठीक है एंड व्हाट इज एफएस मैक्स एफएस मैक्स जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो होती है म्यू एस इनटू एन ठीक है दैट देन फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स ठीक है जब कभी भी आपके अप्लाइड फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम काइनेटिक फ्रिक्शन से छोटी होगी तब तक आप पे, वहां पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स कैसा होगा अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा ठीक है इसकी बहुत ज्यादा डिस्कशन तो नहीं कर पाएंगे टाइम की भी लिमिटेशन होती है अगर फोर्स जो है वो एफ एस मैक्स के बराबर है अगर आपका अप्लाइड फोर्स एफ एस मैक्स के बराबर है तो इसको हम बोलते हैं इम्पेंडिंग स्टेट इम्पेंडिंग स्टेट इम्पेंडिंग स्टेट का मतलब होता है या तो ये अबाउट टू मूव है या ये मूव कर चुका है विदेंट वेलोसिटी नेट जीरो ठीक है और अगर एफ इज ग्रेटर देन मैक्स है तो फ्रिक्शन अब काइनेटिक लग रहा है तो फ्रिक्शन इज काइनेटिक फिर जो स्टैटिक फ्रिक्शन है एफ एस जो है इट इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स ये अपनी वैल्यू को चेंज करता है

ये इम्पेंडिंग स्टेट को डिनोट करती है बेसिकली इम्पेंडिंग स्टेट को डोनेट कर रही है ठीक है इसके बाद जो है बॉडी चलने लगी और फ्रिक्शन कैसा लगने लगा काइनेटिक लगने लगा और काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो एक चीज ध्यान रखेंगे हमेशा कि म्यू के की वैल्यू जो होती है वो म्यू एस से कम होती है म्यू के की वैल्यू जो है हमेशा म्यू एस से कम होती है ठीक है तो इस बात का भी आप ध्यान रख सकते हैं ठीक है चलिए से एक क्वेश्चन कुछ करना शुरू करते हैं बड़ा फेमस क्वेश्चन है और साथ ही साथ इजी भी है ठीक है कि क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द मैक्सिमम फोर्स विद विच द मैन कैन पुल द रोप सो दैट द प्लैंक स्टेज एट रेस्ट मतलब आदमी कितनी ताकत से इस रस्सी को खींचे कि जो प्लैंक है वो किस पे रहे रेस्ट पे रहे द देंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द प्लैंक एंड द फ्लोर इज म्यू द द द द मास मास ऑफ ऑफ प्लैंक प्लैंक आर आर मैन एंड एंड दासपेक्टिवली तो दोनों का सबसे पहले क्या बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम तो सबसे पहले आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो आदमी का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो ये टेंशन टी लग गई ठीक है आ, इसका वेट आदमी का कितना है एम वन जी एम वन जी इसका वेट लग गया ये प्लैंक पे खड़ा है इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एन लगती है ठीक है ये तो आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया अच्छा अब हम प्लैंक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो प्लैंक हो गया ये प्लैंक पे इधर टेंशन टी लग गई प्लैंक का अपना वेट एम टू जी लग गया ग्राउंड ने जो प्लैंक को नॉर्मल रिएक्शन दी एन डैश वो लग गई मैन की नॉर्मल रिएक्शन का एक्शन रिएक्शन पेयर एन ऐसे लग गया ठीक है अब ये आप सोचिए जब आदमी रस्सी को ऐसे खींचेगा तो प्लैंक राइटवर्ड चलेगा तो फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगी वो यहाँ पे म्यू इन टू एन डैश लगेगी जब हम फ्रिक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लिखते हैं तो हमेशा उन दो सर्फेसेस के बीच में लिखेंगे जिन दो सर्फेसेस को अगर आप लोगों को ये नहीं दिख रहा था मैं अपना वीडियो शिफ्ट कर रहा हूं तो ये ऐसे डायग्राम है तो इन दोनों सर्फेसेस के बीच में लिखेंगे जिन सर्फेसेस के बीच में फ्रिक्शन एग्जिस्ट करती है ठीक है तो ये म्यू इंटू एन एन डैश हो गया राइट right? अब हम इक्लेबरियम की इक्वेशंस लिख देते हैं फटाफट फॉर मैन आदमी के लिए फॉर मैन एन प्लस टी इज इक्वल टू एम एन प्लस टी इज इक्वल टू एम ठीक है और प्लैंक के लिए लिख देते हैं फॉर प्लैंक प्लैंक के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लिखनी पड़ेंगी तो फॉर प्लैंक एन डैश एन प्लस एम टू जी ये एम वन जी था एन प्लस एम टू जी और हॉरिजॉन्टल टेंशन शुड बी इक्वल टू म्यू टाइम्स टाइम हमें बेसिकली टेंशन निकालनी है ठीक है सो टी इज इक्वल टू म्यू इन टू एन डैश तो एन डैश की वैल्यू डाल देते हैं टी इज इक्वल टू म्यू इन टू एन प्लस एम टू जी और एन की फर्स्ट से ले लेते हैं तो टी इज इक्वल टू म्यू और एन की वैल्यू आ गई एम जी माइनस टी एम जी माइनस टी प्लस एम टू जी इसको रीअरेंज कर लीजिए तो इधर चला गया टी इन टू वन प्लस म्यू इज इक्वल टू म्यू जी कॉमन एम वन प्लस एम टू तो जो टेंशन आ गई वो आ गई म्यू जी एन टू एम वन प्लस एम टू होल अपॉन वन प्लस तो ये आंसर आ गया आपका राइट right? मैक्सिमम फोर्स को हमने इंश्योर कैसे किया क्योंकि हमने यहां पे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लगा दिया तो इसलिए राइट अच्छा ये बड़े इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन होते हैं इसके तीन के ब्लॉक के भी प्रॉब्लम होते हैं चार ब्लॉक के भी प्रॉब्लम है वो तो आप कितने भी बना सकते हो बट जो इनका एसेंस है इनका सॉल्विंग का एसेंस है वो सेम रहता है ठीक है तो उस प्रोसेस को मैं आपको समझाता हूं दो क्वेश्चन के थ्रू क्वेश्चन कहता है कि ब्लॉक ऑफ मास एम इज प्लेस ऑन अंदर ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम लाइंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजोंटल सर्फिस द कोफिशेंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन एम एंड कैपिटल एम इज म्यू एस व्हाट इज द मैक्म फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड टू कैपिटल एम सो दैट द ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट रिलेटिव टू चतर ठीक है तो यानी ये कहता है कि ऐसा फोर्स हमें अप्लाई करना है कि दोनों जो ब्लॉक हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे रहें रेस्ट पे रहें यानी हम ये अज्यूम कर लेते हैं जब कभी भी आपको इस तरीके की प्रॉब्लम करनी हो जब कभी भी आपको इस तरीके की प्रॉब्लम करनी हो तो आप क्या करिए सबसे पहले एज्यूम कर लीजिए कि बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर ठीक है जैसे जैसे मैं स्टेप बता रहा हूं आप किसी भी क्वेश्चन पे उठा के लगा दीजिए जितने क्वेश्चन आपके पास मल्टीपल ब्लॉक के हो ठीक है जो प्रोसेस मैं बता रहा हूं उसी को फॉलो करेंगे ठीक है तो सबसे पहला क्या बात कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि अज्यूम बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर अच्छा इसमें अगर तीन ब्लॉक हो तो आप अज्यूम करेंगे तीन ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं चार ब्लॉक हो तो आप अज्यूम करेंगे चार ब्लॉक एक साथ चल रहे हैं ठीक है बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टूगेदर ठीक है तो जब एक साथ चल रहे हैं तो दोनों का एक्सलेशन सेम होगा तो ए विल बी इक्वल टू एफ अपॉन एम प्लस ये कॉमन एक्सोल्यूशन हो गया दोनों का ठीक है सिंपल सी बात है अब जो है हमें एफवीडी बनाने हैं दोनों ब्लॉक के ऊपर वाले का भी और नीचे वाले का भी ठीक है और फिर उस पर बेसिकली एनालिसिस हम लोग करेंगे कि वो कैसे उनपे फ्रिक्शन लगाएंगे पहले और उस फ्रिक्शन की वैल्यू को बेसिकली इक्वेट करके देखेंगे कि जो प्रोसेस बताएंगे बस उसी को ध्यान रखिए और उसके अलावा आपको कुछ चिंता नहीं करनी है ठीक है स्मॉल एम जी डाउनवर्ड्स सब नॉर्मल एन वन लेटर्स से अपवर्ड्स राइट फ्रिक्शन फोर्स एफ विल बी एक्टिंग लाइक दिस राइट वेट कैपिटल एमजी डाउनवर्ड अप्लाइड फोर्स कैपिटल एफ ग्राउंड के द्वारा दी गई नॉर्मल रिएक्शन एन टू ऊपर वाले छोटे ब्लॉक के थ्रू दिए गए नॉर्मल रिएक्शन एन वन फ्रिक्शन का एक्शन रिएक्शन एफ राइट तो ये एफ बी टीज बन गए आप दोनों किससे चल रहे हैं एक्सलेशन ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम प्लस एम से चल रहा है ठीक है तो अगर हम छोटे वाले ब्लॉक के लिए, लिए लिखें इक्वेशन तो हम लिख सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू स्मॉल एम इन टू ए विच इज इक्वल टू एम एफ अपॉन एम प्लस एम आई थिंक एवरीबडी इज ओके विद दिस पॉसिबल तब है ये पॉसिबल कब है फ्रिक्शन निकाल लीजिए हमेशा दो दो, दो ब्लॉक के तीन तीन जितने भी ब्लॉक हैं हर दो ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन निकाल लीजिए पॉसिबल सिर्फ ये तब होगा अगर इस फ्रिक्शन की वैल्यू को किससे छोटा होना होगा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से छोटा होना होगा क्योंकि फ्रिक्शन कभी भी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं हो सकता ठीक है तो दूसरा पॉइंट पहला हो गया कि अज्यूम मूवमेंट हो देन कैलकुलेट फ्रिक्शन ठीक है कैलकुलेट फ्रिक्शन दूसरा पॉइंट हो गया कैलकुलेट फ्रिक्शन और तीसरा करना है कि कंपेयर दिस फ्रिक्शन कंपेयर दिस फ्रिक्शन विद मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन विद मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन यानी दिस फ्रिक्शन हैज टू बी लेस देन इक्वल टू म्यूएस इन टू एन ठीक है अगर फ्रिक्शन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से बड़ा आ गया इसका मतलब वो कंडीशन फिजिकली वायबल नहीं है राइट right? चलिए तो एम uh, एफ अपॉन एम प्लस एम दो ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन देख रहे हैं कैपिटल एम तो एन वन नॉर्मल देखेंगे शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू इन टू स्मॉल यानी एफ शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू फिर इक्वालिटी का साइन लग जाएगा तो एफ मैक्स इज इक्वल टू म्यू इन एम प्लस एम इंटू जी तो आंसर अब आपने एक प्रोसेस सीखा है इसको हम अगले क्वेश्चन पे अप्लाई कर रहे हैं फिर से समझ सुन लो एक बार जब कभी भी आपके पास मल्टीपल ब्लॉक की प्रॉब्लम होंगी सबसे पहला काम आप क्या करोगे सबसे पहला काम आप ये करोगे कि आप अज्यूम करोगे कि उनके बीच में जो भी चीजें आपसे पूछी जाए फ्रिक्शन दे आर सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे कि दोनों सब सारे ब्लॉक एक साथ चल रहे हैं उनका कॉमन एक्सलेशन लेंगे फिर उनके फ्री बॉडी डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे उनके बीच में फ्रिक्शन एक्टिंग निकालेंगे फ्रिक्शन एक्टिंग अगर मैक्सिमम स्टेटिक फ्रिक्शन से छोटा है तो वो साथ मूव कर सकते हैं अगर ये फ्रिक्शन मैक्सिमम स्टेटिक फ्रिक्शन से बड़ा आ जाता मान लीजिए

ठीक है तो ये बहुत है इसको ध्यान रखना है ठीक है हालांकि मतलब में मुझे नहीं पता कितना इसमें से काम आएगा बट स्टिल काम आता है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं उसी का ही भाई है ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल प्लेस ऑन अदर ब्लॉक ऑफ कैपिटल एम लाइंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस यानी ये यहां पर म्यू जो है वो जीरो है ठीक uh, है

स्मॉल एम जी फ्रिक्शन कैपिटल एफ, नॉर्मल रिएक्शन ठीक है फ्रिक्शन फ्रिक्शन का एक्शन रिएक्शन नॉर्मल का एक्शन रिएक्शन ग्राउंड के द्वारा दी गई नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल एमजी यही हो गया राइट सो दिस इज वॉट इट इज नो अदर फोर्सेज देयर अब हम मान लीजिए कि किसी पर भी ये लिख दें ठीक है मान लीजिए मैं नीचे वाले ब्लॉक पर लिख दू कि एफ इज इक्वल टू कैपिटल एम ए राइट सो विच इज इक्वल टू कैपिटल एम एफ अपॉन एम प्लस ठीक है नॉ दिस एफ है्यूएस इन टू एन वन म्यूएस इन टू एन राइट So this F which means, which implies that, this F will be less than or equal to mu S into N, which is small mg, right? So we will say that MF upon M plus M has to be less than or equal to mu S mg, right? So you will say that F लेस देन इक्वल टू म्यूस इंटू एम इंटू एम प्लस एम इंटू जी अपॉन कैपिटल एम ठीक है अब ये लेस देन इक्वल है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए कौन सी कौन सा साइन लग जाएगा इक्वलिटी का साइन लग जाएगा तो एफ मैक्स इज इक्वल टू म्यूएस इंटू एम अपॉन एम प्लस एम जी तो हो तो खत्म होने के बाद अपनी किताबों में उठा के देख लीजिए स्टडी मटेरियल प्रोसेस जो है सबसे सिंपलेस्ट यही होता है ठीक है इसके अलावा भी बड़े सारे प्रोसेस हैं बट मुझे लगता है कि दिस इज प्रोसेस राइट चलिए ये टू में आया हुआ प्रॉब्लम है फ्रिक्शन के ऊपर इसको सॉल्व करते हैं

साइन फोर्टी फाइव ये हो गया एम जी कॉस फोर्टी फाइव ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन अब ये फोर्स इसको ऊपर खींच रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो नीचे लगेगा ठीक है ब्लॉक ऑफ मास्टी केप्टऑन ए रफ इन फ्लोन फ्रोन इन द फिगर ए फोर्स ऑफ थ्री न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक The 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 coefficient of of static friction between the plane and block block is What should be the minimum value of p such that the block does not move downward? तो slipping ये block को डाउनवर्ड को मूव करना है ना तो स्लिपिंग टेंडेंसी यानी जो है डाउनवर्ड है तो फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो अपवर्ड लगेगा ठीक तो है तो मूव डाउनवर्ड है तो फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो अपवर्ड लगेगा ठीक है चलिए तो स्लिपिंग टेंडेंसी पे सब डिपेंड करेगा तो पहली बात तो ये हो गई कि एन की वैल्यू हो गई भैया एम जी 45। तो एम अगर 10 है तो ये हो गया हमारा 100 कॉस 45, यानी हंड्रेड बाई ठीक है एक बात याद है अब इसका इधर वाला एक्लिब्रियम देख लें तो P प्लस एफ इज इक्वल टू थ्री प्लस एम जी साइन फोर्टी पी प्लस एफ इज इक्वल टू राइट पी जो है वो पता नहीं है थ्री हमें पता है और एफ हम लिख सकते हैं कि एफ हो जाएगा मेरा म्यू एन विच इज़ जीरो पॉइंट सिक्स इंटू हंड्रेड बाई रूट टू इज इक्वल टू थ्री प्लस हंड्रेड बाई रूट टू तो पी जो हो गया मेरा वो हो गया थ्री प्लस जीरो पॉइंट फोर इंटू हंड्रेड बाई रूट टू यानी फोर्टी बाई रूट टू थ्री प्लस फोर्टी बाई रूट टू जो है आगे, इसको आप कर तो आपका आंसर इसमें आपको मिल जाएगा ठीक है तो वैसे बेसिकली अगर मैं इसको रैशनलाइज कर लूँ तो मुझे भी मिल सकता है तो थ्री प्लस अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड तो ट्वेंटी रूट टू हो गया ये एंड वन पॉइंट फोर अगर मैं ले लूं रूट टू को तो थ्री

प्लेन ठीक है तो मैं दोनों के एफवी बना दे रहा हूँ इक्वेशन लिख दे रहे हैं फिर देखते हैं क्या होता है ठीक है तो एफवीडी बना लेते हैं तो एफ में देखिए कि ये तो आपको पता ही है सबको कि ये वाले कंपोनेंट कॉस होते हैं और साइन होते हैं एम जी कॉस थर्टी एम जी साइन थर्टी नीचे टू न्यूटन का फोर्स हमने लगा दिया है ये नॉर्मल रिएक्शन है नीचे इसको मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं तो फ्रिक्शन जो लगेगा वो ऊपर लगेगा दिस इज एफ वन ठीक है तो डाउनवर्ड की अभी बात हो रही है तो फ्रिक्शन जो लग रहा है वो आप कह सकते हो देखो एफ एन तो हो गया हमारा कितना एम जी कॉस थर्टी एम जी कॉस थर्टी और यहाँ पे अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि एफ वन इज इक्वल टू एम जी साइन टू प्लस एम जी साइन थर्टी टू प्लस एम जी थर्टी ठीक है तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि म्यू इन टू एम जी कॉस थर्टी इज इक्वल टू टू प्लस एम जी साइन थर्टी ठीक है एक तो आपका इक्वेशन गया अगर इस ब्लॉक का मास दिया हुआ होता तो प्रॉब्लम यही सॉल्व हो गई थी बट ब्लॉक का मास नहीं दिया है इसलिए प्रॉब्लम यहां सॉल्व नहीं हो रही है राइट चलिए अब दूसरे वाली सिचुएशन को देखते हैं तो कुछ तो बेसिक डायग्राम सेम ही रहेंगे कुछ सिर्फ फ्रिक्शन की डायरेक्शन बदलेगी एम जी कॉस थर्टी नॉर्मल sin एम जी साइन थर्टी, थर्टी ठीक है और ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स टेन इधर फिर लग गया फ्रिक्शन एफ तो N तो फिर एम जी कॉस थर्टी हो गया तो अब हमें मिल रहा है कि सॉरी uh, हमें जो मिल रहा है uh, वो क्या मिल रहा है कि एम जी साइन थर्टी जो है उसकी वैल्यू को किसके बराबर लेके आना है उसकी वैल्यू को हमें जो है फ्रिक्शन uh, के फ्रिक्शन माइनस uh, जो uh, आ रहा है एक सेकेंड देर इज डिस्टरबेंस हेयर राइट राइट सो so, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे कि टेन इज इक्वल टू एफ प्लस एम जी साइन थर्टी एम जी साइन थर्टी तो एफ जो हो गया वो हो गया टेन माइनस एम जी साइन थर्टी ठीक है और एफ को हम फिर से लिख देंगे म्यू इन टू एम जी कॉस थर्टी इज इक्वल टू टेन माइनस एम जी थर्टी ठीक है तो इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें म्यू की वैल्यू क्या होगी ऑप्टेन हो जाएगी राइट चलिए तो अभी हम लोगों ने बात करी बेसिकली फ्रिक्शन की ठीक है अब हम लोग बात करने जा रहे हैं जो है कंस्टेंट मोशन की आप सभी लोग जानते होंगे कि कंस्ट्रट मोशन जो है वो बड़ा टिपिकल सा टॉपिक माना जाता है हालांकि जेई से बहुत कम इसका लेना देना है बट स्टिल हम लोग जो है, बात मोशन की आ, अपने अभी क्लास में जो है इस वेबिनार में हम लोग कर लेते हैं ठीक है तो कंस्टेंट मोशन को लेके कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहा हूं उन इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग ध्यान रखेंगे और हम एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे राइट पहली चीज जो पुली वाले कंस्टेंट होते हैं जितने भी पुली लेवल के कंस्ट्रेंट है ठीक है तो उसमें जो शॉर्टकट कह लीजिए या आप एक मेथड कह लीजिए वो किस तरीके से है कि जैसे सपोज करिए कि कोई भी एक ये पुली है राइट इस पुली का मूवमेंट हम कुछ कह देते हैं एक्स पी मतलब एक्स इज डिस्प्लेसमेंट एंड पी इज फॉर पुली राइट और इस पे दोनों तरफ जो है स्ट्रिंग्स हैं और दोनों का भी मैंने डिस्प्लेसमेंट ऊपर ही दिखा दिया एक्स1 और एक्स2 राइट तो हम इसका जो शॉर्टकट या मेथड कहते हैं वो होता है कि xp इज इक्वल टू एक्स वन प्लस इंपॉर्टेंट रिलेशन याद रखना है अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की वो ये है कि xp भी ऊपर की तरफ है x1 भी ऊपर की तरफ है और x2 भी ऊपर की तरफ है यानी मतलब तीनों जो डिस्प्लेसमेंट है उनकी डायरेक्शन सेम है एक की भी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो ये फॉर्मूला चेंज होगा तो देखिए कैसे चेंज होगा कि जैसे सपोज करिए कि अब हमारा xp तो ऐसे ही है x1 भी ऐसे है बट x2 मैंने नीचे की तरफ कर दिया राइट तो ऐसे केस में आप क्या लिखेंगे तो ऐसे केस में आप लिखेंगे कि xp बाई टू ठीक है अच्छा एक और क्या हो सकता है एक और इसमें उल्टा भी कर सकते हैं कि हमने xp ऊपर कर दिया अब x1 नीचे कर दिया और x2 ऊपर कर दिया राइट right? तो ऐसे केस में हम लिखेंगे कि xp इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन बाई टू ठीक है अच्छा जो भी चीज फिक्स है सपोर्ट जो फिक्स है उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा मान लीजिए जैसे पुली फिक्स कर दी आपने यहां पे ठीक है पुली फिक्स कर दी तो इस केस में xp जीरो हो गया राइट right? कोई भी स्ट्रिंग फिक्स कर दीजिए जैसे सपोज करिए कि आ, ये पुली हो गई और ये स्ट्रिंग फिक्स कर दी हमने ठीक है ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम आप लोगों ने देखी होंगी तो यहाँ पे एक्स वन जीरो फॉर दैट मैटर अगर मैं इसी में uh, जो है uh, उधर वाली स्ट्रिंग को फिक्स कर दू ये स्ट्रिंग एज इट इज इसको फिक्स कर दें तो इसमें एक्स टू जीरो हो गया राइट right? तो ये चीजें जो है बेसिकली अगर आप ध्यान रखते हो और सबके डायरेक्शन सही से बनाते हो तो पुली के कभी भी गलत नहीं होते हैं ठीके? इसके अलावा और क्या क्या में ध्यान रखने की जरूरत है तो देखिए एक आपको तो हमने पुली का बताया राइट एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी स्ट्रिंग या रॉड है ठीक है जैसे मान लीजिए कि सपोज करिए कि ये स्ट्रिंग है या रॉड है कोई भी चीज है ये ठीक है इसके दो एंड हैं ये ठीक है इसकी वेलोसिटी किधर भी हो हम अलोंग द स्ट्रिंग की बात करें से अलोंग द स्ट्रिंग इधर वी वन आ गई और अलोंग द रॉड जो आ गई वो वी टू आ गई ठीक है तो इसमें हम लिखते हैं कि इन केस ऑफ ए रॉड और ए स्ट्रिंग इन केस ऑफ ए रॉड और ए स्ट्रिंग द वेलोसिटी ऑफ बोथ एंड्स द वेलोसिटी ऑफ बोथ एंड्स शुड बी सेम शुड बी सेम अलोंग दिंग शुड बी सेम अलॉन्ग दिंग राइट इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट है उसका भी मैं आपको यूज दिखाऊंगा कि कोई भी दो चीजें अगर एक साथ चल रही है तो उनके जो कॉमन सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट है उनके परपेंडिकुलर या उनके नॉर्मल दोनों का एक्सलरेशन जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए तो इस पॉइंट को लिखते हैं कि इफ टू ऑब्जेक्ट्स इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग टुगेदर, आर मूविंग टुगेदर, इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर देन द एक्सेलरेशंस, या वेलोसिटी दोनों चीज ही कर सकते हैं

रख सकते हैं कंस्टेंट uh, मोशन की बात डिटेल में हम लोग बेसिकली जब ये एडवांस की बात कर रहे होंगे तब हम ज्यादा करेंगे अभी हम जो है बहुत कम कर रहे हैं बट स्टिल वी आर आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ ऑफ गुड थिंग्स राइट द द द अरेंजमेंट शोन पुली एंड स्ट्रिंग्स मासलेस एक्सेलरेशन द ब्लॉक बी इज राइट तो ब्लॉक बी को हम नीचे चला देते हैं सपोज करिए एक्सेलरेशन ए से ब्लॉक ए को हम ऊपर चला देते हैं एक्सेलरेशन ए से ठीक है इस स्ट्रिंग में टेंशन टी है इस स्ट्रिंग में टेंशन टी है तो इस स्ट्रिंग में टूटी होगी सिमिलरली में भी टूटी होगी राइट right? अब ये वाली पुली भी जीरो है क्योंकि है है नहीं चलेगी ठीक वाली ये नहीं चलेगी, तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो आप इसमें कंस्टेंट रिलेशन लिखेंगे किसके बीच में एक्सेलरेशन के बीच में, में ठीक है तो पहले तो हम मूवमेंट का लिख लेते हैं तो पहले देखते हैं इस वाले ब्लॉक के लिए बी के लिए तो एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए वन ऊपर वाले ब्लॉक के लिए लिखते हैं टू टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए टू राइट अब कई बार ऐसा भी होता है बच्चों कि हमें पता नहीं होता किस प्रॉब्लम में कंस्टेंट यूज करनी है तो हमने सबसे पहले इक्वेशन लिख ली अब आप देखो यहां पे तीन वेरिएबल आ गए टी ए वन और ए टू और इक्वेशन हमारे पास सिर्फ दो हैं तो यहां से मैथमेटिक्स का बेसिक फंडामेंटल ये कहता है कि जितने वेरिएबल हो उतनी ही इक्वेशन होनी चाहिए पर यहाँ पे वेरिएबल तीन है और इक्वेशन दो है ये नहीं हो सकता, हमें एक और इक्वेशन चाहिए समझ में आ जाएगा कि यार यहाँ यार तीन वेरिएबल है दो यानी कंस्टेंट लगाना था भूल गए तो कंस्टेंट लगा सकते हैं यहाँ पे राइट अब तो कंस्टेंट बनाते हैं भाई तो ये जीरो है ये मान लीजिए एवं से नीचे आया तो ये भी एवन से नीचे आया और ये ए ये ए वन आ गया नीचे ठीक है और ये हो गया ए टू इज इक्वल टू वन बाई टू तो ए वन इज इक्वल टू टू ए टू ये आपने तीसरा कंस्टेंट लगा दिया इनको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको ए वन की वैल्यू जो मिलेगी वो जी बाई फाइव मिल जाएगी ठीक है तो ये आपका कंस्टेंट मोशन को पुली के अंदर हो गया एक क्वेश्चन सिर्फ और कर रहे हैं ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है और मैंने जानबूझ क्योंकि सोल्यूशन अजीब सा, सा है कि बच्चे क्या टीचरों को भी जो है ना ध्यान से समझ में आता नहीं है कि क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे बनाया गया है हम इसको सिंपल बेसिक फंडामेंटल से करेंगे जो मैंने आपको अभी बताया आर मूविंग टूगेदर इन देन द एक्सेलरेशन Uh, right? तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि क्योंकि ये जो, uh, हमारा जो ये वाला जो फिक्स सर्फेस है ये इसके अलॉन्ग स्लाइड करेगा यानी जो बी है ना इसका एक्सलरेशन जो होगा वो कुछ ऐसे होगा इसके पैरल होगा राइट right? ऐसे मतलब अल्फा एंगल पर ही होगा। अच्छा, तो राइट तो ये साथ साथ चल रहा है तो पहली बात तो कि ये, ये तो कोई इस लाइन में तो एक्सेरेशन होगा नहीं क्योंकि ये रेस्ट में है तो ये भी रेस्ट में रहेगा राइट अब हमें देखना है कि जो ये वाला जो कॉमन कॉन्टेक्ट सरफेस आ रहा है ये वाला जो कॉमन कॉन्टेक्ट सरफेस है इस पे जो होगा यहाँ पे ए और बी दोनों का एक्सेलरेशन जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए राइट तो इसी बात को हम स्टडी कर लेते हैं और ये जो है थीटा एंगल हो गया मैं ये वाला सरफेस बना रहा हूं राइट अच्छा इसके नॉर्मल लाइन अगर हम देखें ये जो सरफेस है इसके नॉर्मल लाइन ये हो गई दिस इज द लाइन नॉर्मल टू दिस मीन्स

तो ये वाला कितना हो गया बेटे ये वाला हो गया नाइनटी माइनस थीटा यानी जो ए कंपोनेंट इधर आया a का कंपोनेंट अलोंग कितना आ गया? A sin अब किस का देखना है स्मॉल ए है? है और कैसे है स्मॉल ए स्मॉल इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा थी अल्फा राइट इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा हॉरिजॉन्टल तो मैं ये ए का acceleration दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ठीक है ये जो है स्मॉल ए हो गया दिस इज स्मॉल a राइट दिस इज स्मॉल a एंड दिस स्मॉल a इज मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा ओवर हियर राइट सो अगर हम हॉरिजॉन्टल से देखें कि तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा क्योंकि कौन सा एंगल होगा ये बेटे ये हो गए आपके

अल्फा माइनस नाइनटी माइनस थीटा तो हम इसे लिख सकते हैं अल्फा माइनस नाइनटी प्लस प्लस चलिए अब हम दोनों को क्या कर दें इक्वेट कर दें किन किन दोनों एक्सलेन को किन दोनों एक्सलेशन को ए साइन थीटा को सो ए साइन थीटा शुड बी टू स्मॉल अल्फा प्लस थीटा माइनस नाइनटी अच्छा इसको आप लिख सकते हैं कॉस नाइनटी माइनस अल्फा प्लस थीटा क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा ठीक है एंड कॉस नाइनटी माइनस समथिंग इज साइन ऑफ दैट एंगल राइट तो इसलिए मैं यहां लिख सकता हूं कैपिटल ए साइन थीटा इज इक्वल टू स्मॉल ए साइन अल्फा प्लस थीटा सो कैपिटल ए साइन थीटा इज इक्वल टू स्मॉल ए साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस स्मॉल ए कॉस अल्फा थीटा अब इसको डिवाइड कर देते हैं सो कैपिटल ए इज इक्वल टू ए साइन अल्फा कॉस थीटापोन साइन थीटा प्लस स्मॉल थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया ए कॉस अल्फा एंड दिस इज ऑप्शन नंबर डी तो आप कोई भी बुक जो भी आपने अभी तक देखी होंगी पढ़ी होंगी है ना वो सब किताबों में ये क्वेश्चन है मैं चाहता हूं कि आप सभी उस किताब का सोल्यूशन देखें और इस सोल्यूशन को देखें आप देखिए कौन सा आपको समझ में आता ये है ये ईजीएस्ट वे है डूइंग और कितना भी क्रिटिकल क्यों ना क्वेश्चन हो कंस्टेंट का इस प्रोसेस से होगा ही होगा

जो है जेई मेन्स में खूब अच्छा करें थैंक यू सो मच फॉर विद विद फॉर बीदी मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ वर्क एंड एनर्जी दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वर्क एनर्जी रोटेशन ग्रेविटेशन ये जो सेशन बचे हुए हैं ना ये जान है जेई ई मेन्स के पेपर की राइट right? तो आपने देखा आज के में तो क्या दो चार क्वेश्चन पूछे गए बट आगे जो चैप्टर हम लेने जा रहे हैं उसमें पांच पांच आठ आठ क्वेश्चन तक पूछे गए राइट सो बाय टिल देन एंजॉय थैंक यू